सिया मने गुलाब और चिन मने जगह। स्वागत है आपका गुलाबों की घाटी सियाचिन में। लेकिन हमारे इन जवानों की जिंदगी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल नहीं बल्कि कांटों भरी है। अगले कुछ पल हम आपके साथ होंगे सियाचिन से और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे ये जाबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं इस बेहद दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर में। बाईस हजार फीट तक की ऊंचाई, -70 डिग्री तक तापमान, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं और बर्फ में डूबे सेना के बंकर, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। जो ग्लेशियर का इलाका है वो तो 15,000 और 22,000 तक है। कुछ दो चार पोस्ट हैं जो 21-22 हज़ार पे हैं। तो इधर जाने के लिए कितना अपनी बॉडी को सहन करना पड़ता है। टेम्परेचर जो हैं -50 डिग्री पर आ जाते हैं, जिससे कहते हैं कोल्ड इंजरीज भी हो जाती हैं अगर आपने दस्ताने नहीं पहने हैं और आप किसी मेटल की चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो कोल्ड इंजरी हो जाती है, हाथ चिपक जाते हैं उसके साथ। हर रोज़ का खर्चा एक ब्रिगेड का वहाँ पे 2 से 5 करोड़ रुपए का है। सालाना 1200 से लेकर 1500 करोड़ का खर्चा इन ट्रूप्स को मेंटेन करने का होता है। मैं सिर्फ ये तो सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, कितने ही जवान वहाँ पे शहीद हो जाते हैं फायरिंग से नहीं बल्कि जो मौसम, जो एक्सट्रीम मौसम है उसके वजह से। सियाचिन पहुंचने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे ले, जो उत्तर क्षेत्र का एक बड़ा आर्मी बेस है। तो ले में हमारा ये दूसरा दिन था, हम कल ले में आए थे और 24 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वक्त गुजारने का एक मकसद था कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो है वो यहाँ के वातावरण के अनुकूल ढल जाए, यानी कि हम एक्लिमेटाइज हो जाएं। हाइट की बात करें 10,000 फीट से ज़्यादा की यहाँ पर ऊंचाई है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 7 से लेकर 20-21 तक यहाँ का टेम्परेचर है, लेकिन प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की। और अब हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ जिसके बीच में पड़ेगा खारदुंगला पास। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं खारदुंगला और यहां पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 17,000 फीट से ज़्यादा है। इस खारदुंगला पास को दरअसल सियाचिन का गेटवे भी कहा जाता है और यहीं से हम आगे चलेंगे और पहुंचेंगे नुब्रा वैली होते हुए सियाचिन बेस कैंप। हम पहुंच गए हैं वारसी। यहाँ पर आने की जो परमिशन है वो लोकल अथॉरिटी तक लेनी होती है और लोकल अथॉरिटी सिर्फ यहीं तक आने की परमिशन देते हैं, लेकिन चूंकि हमने आर्मी की परमिशन ली हुई है इसलिए अब हम जा रहे हैं सियाचिन की तरफ। तो आइए चलते हैं। ले, खारदुंगला और वारसी से आगे अब हम आर्मी के हवाले हैं। वेलकम मिस्टर दीपक, वेलकम टू बेस कैंप, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू योर विजिट हियर। थैंक यू सर। कम।
ये है सियाचिन बेस कैंप। करीब 76 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित इस बेस कैंप में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती से लेकर रेस्क्यू और ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। बेस कैंप में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, बट यदि हम 3-4 कार्य चुनना चाहें उसमें से, तो पहला कार्य है कि बेस कैंप में जो भी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयमेंट के लिए जाता है उसका एक्लिमेटाइजेशन और ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाता है। एक जवान यहाँ पर 21 दिन की ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद उसका टेस्ट होता है, और जो टेस्ट में पास होते हैं उन्हीं को ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी करने के लिए भेजा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो बेस कैंप से किया जाता है कि वो जो सारे सैनिक ऊपर डिप्लॉयड हैं उनका सारा का सारा सामान, खाने पीने का अपना पर्सनल सामान वो खुद लेके जाते हैं पैदल, लेकिन खाना पीना और रहने के लिए जो उन्हें चाहिए वो सारा सामान यहाँ से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भेजा जाता है। तकरीबन 200 से 250 टन का सामान हर महीने यहाँ से भेजा जाता है, जो पूरा कोऑर्डिनेशन बेस कैंप से किया जाता है। सियाचिन में काम करना बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए जवानों को फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी होता है। ऑक्सीजन कम है लेकिन जज्बा और जोश नहीं। दिन की शुरुआत होती है पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ। शहरों के खूबसूरत पार्कों में सुबह सुबह जॉगिंग करना आपकी आदत हो सकती है, लेकिन 12,500 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर 4 कदम भी चलना आपकी सांसें उखाड़ सकता है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे ये जवान 1 से 1.5 घंटा रोज फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये फिट रह सकें सियाचिन जैसी दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम ग्लेशियर्स में हमारे देश की रक्षा करने के लिए। -70 डिग्री तापमान, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन ना के बराबर, लेकिन कंधे पर देश की जिम्मेदारी है। आखिर हमारे ये जांबाज जवान खुद को इस जिम्मेदारी के लिए कैसे तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। पीटी के बाद अब बारी है ट्रेनिंग की। सियाचिन बैटल स्कूल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। ये ग्लेशियर हजारों सालों से जमा बर्फ से बना है। फॉरवर्ड पोस्ट पर इसी तरह के ग्लेशियर भारतीय जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ये ग्लेशियर 90 डिग्री तक खड़ी चढ़ाई वाले हो सकते हैं, इसलिए सैनिकों को खास तरह के साजो सामान के साथ इन पर चढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। Thank you.
यहाँ पर हमने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के द्वारा यहाँ पर हमने अपनी जो ट्रेनिंग बनाई है उसमें किस प्रकार से एक जवान को, क्योंकि उसकी जो सबसे दूर की जो पोस्टें हैं वो हाई अल्टीट्यूड में हैं, उसमें किस प्रकार से जो बर्फ़ की जो चट्टाने हैं, आइस फॉल्स हैं, उनको किस प्रकार से नेगोशिएट करना है। हर प्रकार की आइस फॉल्स हैं, कुछ आइस फॉल्स का ग्रेडियंट कम है, किसका ग्रेडियंट बिल्कुल खड़ा ग्रेडियंट है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट टेक्निक, 3 पॉइंट टेक्निक क्लाइंबिंग की और 4 पॉइंट टेक्निक को हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ उनको ट्रेनिंग हम जवानों को देते हैं उसमें, जो कि उसको फैसिलिटेट करते हैं जब अपना उसका पोस्ट में जब मूवमेंट होता है तो आइस फॉल में किस प्रकार से आप 4 पॉइंट टेक्निक से ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। साथ में जवान जब ग्लेशियर में ऑपरेट करता है तो उसको बहुत सारे क्रेवासेस, गर्मियों के टाइम पर काफ़ी सारे तापमान के बढ़ने से क्रेवासेस ओपन होते हैं, तो उनको किस प्रकार से ब्रिज करना है, और अगर कोई जवान किसी कारण से पेट्रोल में जाते जाते अगर क्रेवास में फंस जाता है, गिर जाता है, उसको किस प्रकार से हमको उसको निकालना है, उसके लिए हमने यहाँ पर अपनी ड्रिल्स ईजाद की हैं जिसके द्वारा हम लोग एक जवान की हिफाजत करते हैं जब वो पोस्ट में ऑपरेट करता है। तो ये जो आप मुझे जिस अटायर में भी आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे सोल्जर्स का अटायर है और ये बहुत ही एक विंटर सेफ्टी गियर टाइप का है जिसमें हमारे जवान जो हैं, जो हमारे अफसर हैं, वो जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये जो है ये मल्टीपर्पज़ कारपा बूट इन्हें कहा जाता है, जिसमें एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड शूज़ है, बाहर प्लास्टिक का इसमें कोटिंग है जिसमें पानी और बारिश की से वो बचता है, और अंदर इसमें गर्म रखने के लिए एक अलग लेयर है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं जिसमें क्रैनप्रॉन्स जिनको बोलते हैं, ये करीबन 10 हैं। सो और ये जो विंड शीटर आप देख रहे हैं ये आपको बचाएगी हवा से, बर्फ़ से और ठंड से भी। तो ये बेसिकली ये अटायर है और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें, और आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा डिसबैलेंस भी हो रहा हूँ, और हमारे जो जवान हैं इस अटायर को पहन के लगभग 100 से 105, 110 किलोमीटर तक जाते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा। एक और चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इन शूज़ में वो ये है कि ये -55 से -70 डिग्री तक जो शोल्जर्स हैं हमारी उनकी रक्षा कर सकते हैं। ये जो शूज़ हैं इनका वेट है 3.5 किलो, तो 3.5 किलो का वज़न आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाता है जब एक जवान चलता है, और इसके अलावा आपका जो पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो अलग हैं, तो कुल मिला के काफ़ी भारी भरकम सामान लेकर यहाँ से चलते हैं। ओके, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस ग्लेशियर पे चढ़ने के लिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री तक तो माना जाता है कि आदमी चढ़ सकता है, लेकिन अगर 65 से 90 डिग्री का ग्रेडियंट हो वॉल का तो फिर आदमी क्या करेगा। उसके लिए तकनीक में आती है ये 4 पॉइंट टेक्निक जो मैं अभी आजमाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश करी और मैं तो चंद कदम ही चल पाया और मेरी सांस फूल रही है, और जैसा मैंने आपको बताया ये लगभग 13,000 फीट का ये ऊंचाई है, लेकिन आप सोचिए 22,000 फीट पे, 19,000 फीट पे क्या हाल होता होगा जहाँ पर टेम्परेचर -25 टू -70 डिग्री तक रहता होगा। एक बार फिर से हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आठ से 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान को एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जान का जोखिम बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जवानों को सियाचिन बेस कैंप में काफी कड़ी ट्रेनिंग के जरिए 22,000 फीट तक ऊंचाई के लिए तैयार किया जाता है। इस दौरान वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं।
क्रिटिकल बीमारी अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे मेनली होती है हाई अल्टीट्यूड वाली, हमारी हाई अल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस जो हम बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड, उसमें पहले तो मेनली आता है अक्यूट माउंटेन सिकनेस, उसके बाद आता है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हैको आता है, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी हाइपरटेंशन आता है, ये सारी होती है हाई अल्टीट्यूड रिलेटेड की। और होती है इसमें भी आती है कोल्ड इंजरीज वाली बीमारियाँ आती है, जो चिल ब्लेंस हो जाती है हमारी, फ्रॉस्टबाइट होता है, ट्रेंच फूट होता है, और हाइपोथर्मिया हो जाता है कुछ कंडीशंस में, हाइपरटेंसिव कंडीशन जो होती है उसमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी हो जाता है, और स्ट्रोक होता है। और जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं बंदे, जो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इंडक्शन में होते हैं, उसमें फिजिकल इंजरीज चोट लगने की वो ज़्यादातर वहाँ पे होती हैं। और हैपो और हैको मेन हो जाता है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, बंदे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बंदे हैको में क्या होता है, बंदे को हेडेक होता है, नथिंग बट आपको जो एमएस के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करता है, उसमें अटैक्सिया सिम्टम ऐड हो जाता है। सियाचिन कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये दरअसल कहानी है भारतीय सेना के अदम्य साहस और हौसले की। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने इस बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान का ये मंसूबा न सिर्फ खाक कर दिया, बल्कि सियाचिन पर तिरंगा लहरा दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। 1984 तक इस इलाके के ऊपर भारत ने कोई कब्जा नहीं किया, पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं था, मगर ये ज़रूर था कि 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तानियों ने कई इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस को इजाज़त दी कि आप जाके वहाँ पे माउंटेनियरिंग कर सकते हैं। कई चोटियाँ थी वहाँ पे, प्रसिद्ध चोटियाँ थी, और जर्मनी और जापान वगैरह से कई एक्सपेडिशन टीम्स आती थीं। और 1978 में हमारी गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि हमारे भी एक्सपेडिशन जाएंगे। 1978 में कर्नल कुमार की एक एक्सपेडिशन गई, जिसमें बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट था, और हैरानी की बात ये निकली कि उनको पता लगा कि कई एक्सपेडिशंस वहाँ जा रही हैं। 1978 के बाद और एक्सपेडिशंस हमारी गई, और एक बार तो कर्नल कुमार ने किसी जर्मन एक्सपेडिशन से एक मैप लिया जो मिली उस एरिया में, और देखा कि उसमें तो पाकिस्तानियों ने ये पूरे इलाके को अपना एरिया बताया हुआ है। पाकिस्तानियों ने ये भी प्लान किया कि अप्रैल 1984 में वो जाके इस एरिया में कब्ज़ा कर लें। अब बड़े दिलचस्पी की बात है कि उन्होंने लंदन में एक डीलर से आर्कटिक इक्विपमेंट, हाई अल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इक्विपमेंट जो ऑर्डर किया, उसकी खबर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी मिल गई, जो कि यहाँ पे बताई गई, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में भी पहुँची। तो फिर फैसला हुआ कि अप्रैल 1984 में इस एरिया पे साल्टोरो रिज पे कब्ज़ा किया जाए, इससे पहले कि पाकिस्तानी आके कब्ज़ा कर लें। 13 अप्रैल 1984 को ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, और बाद में पता लगा कि पाकिस्तानियों का प्लान था 17 अप्रैल को इस एरिया में कब्ज़ा करना, तो उससे हम 4 दिन से उनको हमने हरा दिया। और साल्टोरो रिज पे जितने भी प्रसिद्ध पास हैं, जितने भी अहमियत वाले पास हैं, जो सबसे ऊपर है बिला फोंडला, सियाला, ग्योंगला, इस किस्म के पास जो कि 5,500 मीटर से लेकर 6,200 मीटर तक के पास, इन सब पे कब्ज़ा कर लिया। सियाचिन ग्लेशियर में गोलीबारी फिलहाल बंद है, लेकिन सामरिक नजरिए से इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि भारत की रक्षा के लिए सेना कोई जोखिम नहीं लेती, इसीलिए जवान आज भी हर पल मुस्तैदी से वहां डटे रहते हैं। एक बार तैनाती के बाद करीब 3 महीने तक जिंदगी और मौसम जवानों की कड़ी परीक्षा लेती हैं, लेकिन बेहतर ट्रेनिंग और देशभक्ति का जज्बा उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है। हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, और उसके बाद हम एक आज़ाद देश के सैनिक हैं। सैनिक होना ही एक गर्व की बात है। जो हमारे शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी है, अपनी शहादत कुर्बानियाँ की हैं, हम उनको जाया नहीं जाने देंगे, और हम इस क्षेत्र में अपनी ड्यूटी को
पूरी ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। ट्रेनिंग में हमें ग्लेशियर के अंदर आने वाली कुदरती रुकावटें जैसे कि अवलांच, क्रिवास और बड़ी बड़ी आइस वॉल, इन सबको पार करने के तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहले एक सैनिक को होना ही हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, यहाँ पे हम तैनात हैं इतने मुश्किल हालातों में, यहाँ पर हर एक सैनिक को तैनात होने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमारा भाग्य है कि हम ग्लेशियर जैसे इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। इधर बेस कैंप में जवानों के खाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए जवानों को यहां स्पेशल डाइट दी जाती है। तो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में आपको सर्वाइव करने के लिए स्पेशल डाइट की भी जरूरत है, और सुबह की ट्रेनिंग और उसके बाद के कामकाज के बाद अब वक्त है लंच का। हम यहाँ पर जवानों के साथ हैं और हम ये कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि हमारे जवान इन दुर्गम परिस्थितियों में किस तरह का खाना खाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर खाना बेहद लाइट होता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको सादा खाना, जितना सादा हो सके उतना सादा खाना आपको होता है। ये पापड़ है, नॉर्मल सा पापड़। इसके अलावा हमारे पास राइस है, और जो दाल है वो पीली दाल है जिसमें कि बिल्कुल भी मसाला नहीं है। बहुत कम इसमें नमक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाई एटीट्यूड एरिया है तो ब्लड प्रेशर शूट ना हो, इसके लिए बहुत कम इसमें नमक डाला गया है। इसके अलावा सब्ज़ी के नाम पर हमारे पास आलू और मटर की सब्ज़ी है, उसमें भी बहुत कम मसाला डाला गया है, बहुत कम नमक डाला गया है। और ये कोफ्ते इन्होंने बनाए हैं थोड़ा सा स्पेशलिटी देने के लिए, लेकिन ये कोफ्ते भी बहुत ही सादे हैं। एक बात यहाँ पर जो ट्रूप्स को कही जाती है कि यदि आपकी डाइट माना चार रोटी की है, तो यहाँ पर आने के बाद आपकी जो डाइट है वो दो रोटी की हो जाती है, क्योंकि आपको पेट में जगह चाहिए। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी वेस्ट होगी, तो इसलिए इस एरिया में ऑक्सीजन को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए बहुत ही सादा खाना खाते हैं। और लास्ट में फल के लिए यहाँ पर एक वाटरमेलन दिया गया है जो कि पानी से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखने की जो पूरी कोशिश करता है। तो ये है इस स्पेशल इलाके का एक स्पेशल लंच, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम इस लंच को हमारे जवानों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसकी हाइड्रेशन लेवल की, इसलिए हम बंदों को बोलते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखो, हाइड्रेट वेल योर सेल्फ जो हम बोलते हैं उनको। अपने आप यहाँ पे पानी को, जैसे पानी बंदों को, कुछ लोगों को नहीं पिया जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको ORS के साथ पिया करो, लेकिन पानी यहाँ पे ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा है, तो बंदों को ट्रेनिंग उस लेवल को उनको अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए हम बोलते हैं 5-6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इनटेक पर डे मिनिमम होना चाहिए। घर से सैकड़ों मील दूर, ऐशो आराम से दूर, बर्फीली कराकोरम पर्वत श्रेणी की गोद में देश के ये बहादुर जवान तैनात हैं देश की हिफाजत के लिए। पल पल मौत का खतरा, बर्फ की अनजान खाइयां, लेकिन मकसद सिर्फ एक, देश की रक्षा। इन सैनिकों का परिवार ये सैनिक ही हैं। एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटकर, एक दूसरे का सहारा बनकर ये सैनिक घर परिवार से दूर देश की सुरक्षा में तैनात हैं, ताकि हम आजाद रह सकें। हमें गर्व की बात आज पूरा देश जो आजादी मना रहा है, हमारे उस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लाखों जवानों ने उस टाइम अपनी कुर्बानियाँ कुर्बान इस देश के लिए की हैं, और हमें गर्व है। और आने वाले समय में इस देश इस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे आज़ादी को, और आने वाले समय में अगर हमारी जान भी कुर्बान हुई तो हम कुर्बान करेंगे इस देश के लिए। सब जो इंडिपेंडेंट जो भाज बना रहा है वो में मतलब फौज में जो भी जवान रहता है उसका वो गर्व की बात है, क्योंकि हर साल हर बार इसी मुताबिक कोशिशें बनाए रहें, हर हमारा जो ड्यूटी है इसी मुताबिक ईमानदारी और वफादारी के साथ हम बरकरार रखेंगे साहब, और एक साथ रख आप लोग रहना, मतलब मेरा जो ये है हम इन भारत देश है, एक साथ और अच्छा रहें और आगे बढ़ें। आज पूरा देश आज़ादी दिवस मना रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश पूरा आज़ाद है और आज़ादी का दिवस आज मना रहा है। हमें यहाँ पे जो तैनात किया गया है, हम अपनी ड्यूटी वफादारी और ईमानदारी से कर रहे हैं, और हम जो हमारा विरोधी देश है हम उसे कोई भी नापाक हरकत नहीं करने देंगे।
और ताकि मेरा देश इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस मनाता रहे। देश के इस बेहद महत्वपूर्ण छोर की सुरक्षा करते हुए सैकड़ों सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। सियाचिन वॉर मेमोरियल में ऐसे करीब 1100 शहीदों के नाम दर्ज हैं। ये वॉर मेमोरियल प्रतीक है देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों की शहादत का। तो ये थी सियाचिन की कहानी सियाचिन से। हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे हमारे वीर और जाबाज जवान अपने जोश और जज्बे से इस दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने फर्ज को निभा रहे हैं ताकि हम लोग आज़ाद फिजाओं में चैन की नींद सो पाएं। कैमरा पर्सन जितेंद्र और अनिर्बान के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।